हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ रिसर्च को अच्छी तरीके से समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले थे वही स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ रिसर्च का एक पार्ट है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं, है ना। चलिए आइएगा जी। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एक रिसर्चर अब तैयार करता है और बाद में उसी बेसिस पर रिसर्च करता है। क्लियर है? हाँ जी, आइए चलते हैं आपके नोट्स में, क्योंकि हम सबको पता है कि नोट्स है तो सब कुछ है। यहाँ पे हम ब्रीफ जानकारी लेते हैं। आइए जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। रिसर्च डिजाइन क्या क्या है, क्या बता रहा है बोला। जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो अपने काम को लेकर एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर रेडी करता है। क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो अपने काम को लेकर एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर रेडी करता है, जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि किस मेथड्स या टेक्निक के थ्रू रिसर्च कंप्लीट करेगा। क्या डिसाइड करता है जी, कि किस मेथड या रिसर्च के थ्रू रिसर्च कंप्लीट करेगा। इसी स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं जी। क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च भी कहते हैं, मास्टर प्लान ऑफ रिसर्च भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, तीनों कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक डेफिनेशन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहा है इट इज एन एक्टिविटी एंड टाइम बेस्ड प्लान। क्या है, एक एक्टिविटी है और टाइम बेस्ड प्लान है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टाइम बेस्ड प्लान या एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन। और क्या है देखिए, कह रहा है इट गाइड्स अबाउट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड देयर रिसोर्सेज। बोल रहा भाई साहब ये किस में गाइड करता है, कि आपको कौन किस तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और किस तरह के रिसोर्सेज को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए देखिए क्या क्या बोलता है, किस किस का डिसीजन को बोलते हैं क्या आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में हम देखते हैं व्हाट, क्या करना है, वेयर, कहां से करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसको करेगा एंड कौन करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच एंड हुम, ये सारा चीज आपको रिसर्च डिजाइन में बताया जाता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं ना बुक में, एक एक चीज को आराम से पढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है रिसर्च डिजाइन इज द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स चूजन बाय अ रिसर्चर टू कंडक्ट अ स्टडी। सही है, बोल रहा है एक रिसर्च डिजाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है या जहां पे मेथड्स और टेक्निक को चूज किया जाता है किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, उस ताकि उसकी स्टडी को कंडक्ट किया जा सके। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा था डिजाइन अलाउज रिसर्चर टू शार्पन द रिसर्च मेथड्स सुटेबल फॉर द मैटर एंड सेटअप देयर स्टडीज फॉर सक्सेस। क्या बोल रहा है, डिजाइन क्या अलाउ करता है, रिसर्चर को हेल्प करता है कि भाई वो शार्पन करे रिसर्च मेथड को, मतलब तेज धार लेके आए, नहीं इसको बोलते हैं ना कि एक एक फ्लो लेके आए रिसर्च मेथड्स में और उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो और उस क्या करे उसकी स्टडी को सेटअप करके दे दे ताकि वो सक्सेसफुली वो रिसर्च कंप्लीट कर पाए। कह रहा है क्रिएटिंग अ रिसर्च टॉपिक एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखिएगा जब एक किसी रिसर्च टॉपिक को आप क्रिएट करते हैं तो इन टाइप्स ऑफ रिसर्च का ध्यान में रखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, कोरिलेशनल, है ना, सेमी एक्सपेरिमेंटल, ये सारे चीज रिसर्च को ध्यान में रखना होगा। और उसके सब टाइप क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव के और केस स्टडी, ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिएगा देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ फॉर रिसर्च। तीन मेन टाइप डिजाइन है रिसर्च के, किस किस तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। एक तो डेटा कलेक्शन, दूसरा मेजरमेंट और तीसरा डेटा
एनालिसिस, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। कह रहा था रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फेस विल डिटरमाइन द डिजाइन नॉट अ वाइस वर्सा। तो रिसर्च प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन का फेस क्या करेगा कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। द डिजाइन फेज ऑफ स्टडी डिटरमाइन विच टूल्स यूज एंड हाउ दे आर यूज। तो डिजाइन फेज क्या स्टडी करता है, क्या निर्धारण करता है कि किस टूल को यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, क्लियर है बात? तो हाँ जी सर, तो जब हम बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की, तो वहां ये डिटरमाइन करता है कि भैया टूल कौन सा लगाएं और फिर कैसे इसको यूज करें। अब देखो प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या प्रोसेस है, आइए समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। नहीं हाँ जी सर, कह रहा था रिसर्च डिजाइन प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। क्या है? सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसका मतलब तो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। हाँ जी सर, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड की बात करिए और हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिसर्च में जहां स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक की बात आ जाती है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, रिसर्च एंड प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच टू द कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाना है। द प्रोसेस इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट द स्टडी इज वैलिड रियलेबल एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल रिजल्ट्स। तो इसेंशियल क्या बोल रहा है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसेंशियल होना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि स्टडी क्या है, वैलिड है, रियलेबल मतलब कंसिस्टेंट है एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आइए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कहता है कंसीडर योर एम्स एंड अप्रोच। सबसे पहले आप अपना उद्देश्य को देखिए, विचार करिए उस पर और उस अप्रोच को लगाइए, यही कह रहा है। हाँ जी, तो कहता है डिटरमाइन द रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, फिर कह रहा है एंड आइडेंटिफाई द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी फॉर द स्टडी। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपका क्या होना चाहिए और मेथोडोलॉजी कौन सी मेथोडोलॉजी लगाएंगे आप यहाँ पे। नहीं हाँ जी, दूसरा है चूज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन आपको चूज करना है, तो कौन कौन सा रिसर्च डिजाइन है ये देख लीजिए। तो चूज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन मतलब सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन, कि किस रिसर्च डिजाइन के तहत आप लेके चलेंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो गया, कोरिलेशनल हो गया, सर्वे हो गया, केस स्टडी और इथनोग्राफी बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। अब जिस हिसाब से आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई करेंगे जिस हिसाब से आप प्रॉब्लम को, उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उसी हिसाब से आप अपना रिसर्च डिजाइन भी सेट करेंगे। रिसर्च डिजाइन इज ऑल अबाउट कि कौन सा रिसर्च लगा रहे हो, सिंपल कि कौन सा रिसर्च का मेथड आप यूज कर रहे हो। तो एग्जांपल्स के तौर पर चार पांच दे दिया, हाँ चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, लेकिन स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहा, तो आप जब स्ट्रक्चर्ड होगा डिडक्टिव अप्रोच अपनाएंगे तो हम ये एक्सपेरिमेंटल वगैरह लगाएंगे, क्लियर। और जब आप क्वालिटेटिव बात कर रहे हो ना स्ट्रक्चर की, तो एथनोग्राफी, केस स्टडी, ये सारी चीजें लगाएंगे, क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब थर्ड जो इसका स्टेज है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया अप्रोच और एम्स को, फिर दूसरा किया कि चूज किया टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन की कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, तीसरा जो है वो क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा, तीसरा कह रहा है आइडेंटिफाई योर पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग मेथड। अब आपको पॉप सैंपलिंग मेथड लगाना, उससे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो सैंपल है वो कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। नहीं हाँ जी, तो उस बेस पर फिर काम करना है, उसके बाद फिर सैंपलिंग मेथड लगाना है कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड लगाएं कि नॉन प्रोबेबिलिटी लगाएं, ये उसमें भी अलग अलग है। देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। अब डिटरमाइन करिए कि कितना बड़ा आपका साइज सैंपल साइज होगा और टारगेट पॉपुलेशन होगी एंड चूज द सैंपलिंग मेथड सच एज रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ये एग्जांपल दिया है कि प्रोबेबिलिटी क्या और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या, पढ़ेंगे आगे अभी इसको हम जानेंगे। चलिए उसके बाद क्या, चूज योर डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है तो वो भी पढ़ना है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए प्राइमरी या सेकेंडरी। बोल रहा है भाई डिसाइड कीजिए मेथड्स एज ए सर्वे, डिसाइड ऑन मेथड्स सच एज सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा। बोल रहा है भाई साहब अब आप मेथड लगाइए कि डेटा कलेक्शन कैसे करिएगा, क्वेश्चनर बना करिएगा, इंटरव्यू लेकर करिएगा, सर्वे मेथड के थ्रू करिएगा या एक्सपेरिमेंट करके करिएगा, और जो जो भी आपने मेथड चूज किया उस बेसिस पर उसके हथियार अपना ले लीजिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिए, है ना, ताकि आप डेटा कलेक्ट कर पाए। अब उस बेसिस पर आगे क्या करना है,
आगे बोला प्लान योर डेटा का कलेक्शन प्रोसीजर्स। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, जब डेटा कलेक्शन का आपने ये देख लिया कि मेथड ये होगा और इसके इंस्ट्रूमेंट हमको ये लगेंगे वो कर लिया, अब आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स को प्लान करिए। कैसे करिएगा, कह रहा डेवलप प्लान फॉर डेटा कलेक्शन इंक्लूडिंग टाइम फ्रेम लोकेशन एंड पर्सनल इन्वॉल्व्ड इंश्योर इथिकल कंसीडरेशन। क्या बोल रहा है, ये सारा चीज ध्यान देखना है कि टाइम फ्रेम भी देख लेना है, लोकेशन देख लेना है, पर्सोनियल आप कितना इन्वॉल्व हो रहे ये देख लेना है, इंश्योर करना है इथिकल कंसीडरेशन कि आप अगर कहीं कुछ अरे डेटा ले रहे हो तो उसको कुछ दे रहे हो कि नहीं, ठीक है ये सारा चीज। और फिर लास्ट स्टेज जो हो गया डिसाइड ऑन योर डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज। क्या करना है कि आप जो डेटा कलेक्ट करोगे उसको एनालाइज कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजीज को यहाँ डिसाइड करना है। कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक सच एज स्ट्रेटजिकल एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस डिस्कर्स एनालिसिस एंड प्लान हाउ टू इंटरप्रेट दी रिजल्ट। तो अब यहाँ पर क्या करना, डेटा एनालिसिस वाले स्ट्रेटजी लगाना है, चाहे वो कंटेंट एनालिसिस हो, डिस्कस एनालिसिस हो या फिर स्ट्रेटजिकल एनालिसिस हो। क्लियर है बात, तो बेसिकली कुछ नहीं है, आप ये समझ लो ना रिसर्च डिजाइन कहाँ से कहाँ तक का प्रोसेस है। सर रिसर्च डिजाइन प्रोसेस है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद से लेकर और डेटा एनालिसिस तक का प्रोसीजर है। तो उसी के बारे में ऑब्जेक्टिव बता दिया, वो आपको करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एम्स और अप्रोच को ध्यान में रखेंगे, उस बेसिस पर आप रिसर्च डिजाइन, रिसर्च का जो कौन सा टाइप्स ले रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन और सैम्पलिंग मेथड लगाएंगे, पॉपुलेशन कितना सैंपल होना चाहिए आपका और मेथड आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, उस बेसिस पर आप डेटा कलेक्शन चूज करेंगे कि भाई साहब डेटा कलेक्शन कौन सा मेथड के थ्रू कर रहे हैं, इंटरव्यू है, सर्वे है, क्वेश्चनर बना के दे रहे हैं, ईमेल मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, और फिर उस बेसिस पर डेटा को प्लान करेंगे प्रोसीजर्स की भाई हमको कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, लोकेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, पर्सनलाइज कैसे होगा, हम इथिकल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारा चीज। और लास्ट में डेटा एनालिसिस का स्ट्रेटजी लगाना है कि क्या होना चाहिए, स्टैटिकल होना चाहिए, डिस्कस एनालिसिस होना चाहिए या कंटेंट एनालिसिस। क्लियर है बात। हाँ जी, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा था प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, कह रहा था प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन कंडक्टिंग रिसर्च, बाय फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन रिसर्चर्स कैन इंश्योर दैट देयर स्टडी वेल प्लान्ड एथिकल एंड राइगरस। तो प्रोसेस क्या, रिसर्च डिजाइन का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जब आप कंडक्ट कर रहे हो रिसर्च में, और ये सब फॉलो करने के बाद रिसर्चर ये इंश्योर करता है कि उसकी स्टडी वेल प्लान्ड एथिकल और राइगरस है कि नहीं है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर एक्सप्लोरेटरी एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, व्हाइल क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस। तो देखिए जब रिसर्च मेथड टाइप्स चुनना है तो आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों भी चुन सकते हैं। तो उसी तरह से कह रहा है यू कैन फर्दर ब्रेक डाउन टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन इनटू फाइव कैटेगरीज। यहां पे पांच रिसर्च डिजाइन जब ले रहे हो तो पांच कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ये देखिए पांच कैटेगरीज क्या क्या है, आइए सबसे पहला बोला डिस्क्रिप्टिव, इससे पहले होता है एक्सप्लोरेटरी। सर एक्सप्लोरेटरी क्या है, तो एक्सप्लोरेटरी में हम रिसर्च को क्या करते हैं, अपनी टॉपिक्स अपने जो लिए हैं उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी के बाद का पार्ट है वो, एक्सप्लोरेटरी जो कि क्वालिटेटिव है और डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव है, यानी कि स्ट्रक्चर रिसर्च है। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हम जो एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं उसी को लिखते हैं, उसी को क्या करते हैं आपका डिस्क्राइब करते हैं, कोई एक सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो वही हो रहा है, देखिएगा क्या रहा है, कह रहा है इन अ डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन अ रिसर्चर इज सोली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन और केस अंडर देयर रिसर्च स्टडी। क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव के कॉम्पोजिशन में एक रिसर्चर पूरी तरीके से इंटरेस्ट होता है किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके अंदर केस स्टडी, सॉरी केस, उस केस के अंदर रिसर्च स्टडी करने के लिए। क्लियर है बात। हाँ जी, कह रहा है इट इज अ थ्योरी बेस्ड डिजाइन मेथड क्रिएटिंग बाय गैदरिंग एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डेटा। तो एक थ्योरी बेस्ड रिसर्च डिजाइन है जहां पे हम लोग डेटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं जो कलेक्टेड डेटा है उसको। क्लियर है बात। हाँ जी, कह रहा है दिस अलाउज अ रिसर्चर टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू व्हाई एंड हाउ ऑफ रिसर्च। ये किसको, व्हाई और हाउ ऑफ रिसर्च को बताता है, ठीक है, नहीं व्हाई नहीं, व्हाट, ये व्हाट, व्हाट एंड हाउ रिसर्च को बताता है, व्हाई इज एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। हाँ जी सर, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हेल्प्स अदर बेटर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रिसर्च
If the problem statement is not clear, you cannot conduct, you can conduct exploratory. अब देखिए बोल रहा है descriptive research क्या है, better understanding के लिए किसी भी need of the research, जो research कर रहा है उसके need के लिए, और अगर फिर भी descriptive के base पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप exploratory research पे जा सकते हैं. Exploratory research क्या, different aspect आप देख सकते हैं कि क्यों मेरा ये काम नहीं हो रहा है. तो यहां ध्यान रखिए डिस्क्रिप्टिव पहले इसलिए बोला क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं करना है, सिचुएशन देखना है, डिस्क्राइब करना है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप एक्सप्लोरेटरी पे चले जाइए, अलग अलग एस्पेक्ट को देखिए और उसको एक्सप्लोर करिए. क्लियर है बात? हाँ जी. दूसरा एस्पेक्ट इसका जो है, दूसरा मेथड लिया है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, और यही बताता है क्या कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड नहीं. It is a causal design where one observes the impact caused by the independent variable on the dependent variable. देख लीजिए independent variable की जगह पर dependent variable का क्या impact पड़ रहा है वो सारा check करता नहीं. देखिए example दिया है, कह रहा for example one monitors of influence an independent variable such as price on a dependent variable such as customer satisfaction or brand लॉयल्टी. तो एक कोई मॉनिटर कर रहा है क्या इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे प्राइस किसी सच एज प्राइस, तो प्राइस की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, इसकी बात कर रहा है. कह रहा है इट इज एन एफिशिएंट रिसर्च मेथड एज इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इसलिए एफिशिएंट रिसर्च मेथड माना गया है. क्या बोल रहा है आगे देखिएगा, कह रहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू मॉनिटर द चेंजेस इट हैज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल रहता है. कह रहा है सोशल साइंस ऑफन यूज इट टू बी ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर बाय एनालाइजिंग टू ग्रुप्स. Researcher can help participants change their actions and study how the people around them react. Understand social psychology की psychology better. Clear बात? हाँ जी सर. अब correlational research. Correlational research को हम लोग non-experimental research कहते हैं. ठीक है, जहाँ experiment एकदम नहीं हो रहा उसको correlational, एक दूसरे से correlation का काम करता है. नहीं देखिए क्या बोल रहा है, correlation research is a non-experimental research technique. It helps the researcher to establish relationship between two closely connected variables. जो दो closely connected variables है उसकी बात करता है. कह रहा है there is no assumption while evaluating a relationship between two other variables and statistical analysis technique calculate the relationship between them. तो correlation में क्या दो near relationship की बात करता है, दो near available relationship की बात करता है और बोल रहा है statistical analysis technique यहाँ लगाते हैं आप उसके relationship को calculate करने के लिए. कह रहा है this type of research requires two different group, दो different group की जरूरत पड़ती है. कह रहा है correlation coefficient determine the correlation between variables between range -1 से +1. तो correlation का range क्या -1 से +1 के बीच में होता है. If the correlation coefficient is towards +1, it indicates the positive relationship between the variables और -1 the negative relation between two variables. देखिए दो variables के बीच में अगर +1 आ रहा है तो उसको positive relationship कहा गया है, पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 के आसपास आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहा गया. क्लियर बात? हाँ जी सर. और इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन. अब आइए डायग्नोस्टिक रिसर्च. डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होता है जहां प्रॉब्लम जैसे नहीं सॉल्व हो रही है. ठीक है, तो उसके बाद एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है. तो डायग्नोस्टिक रिसर्च उसके बाद का पार्ट है. यहाँ पे प्रॉब्लम को और डीप देखा जाता है, समझा जाता है और फाइनली इसको डायग्नोज किया जाता है. प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे प्रॉब्लम और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है. देखिएगा इन डायग्नोस्टिक डिजाइन द रिसर्चर इज लुकिंग टू इवेल्युएट अंडरलाइंग कॉज ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक और फेनोमेनम. ध्यान दीजिएगा ब्लाइंड पे. कह रहा रिसर्चर लुकिंग देखता है क्या और इवेल्युएट करता है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या किसी एक सिचुएशन पे क्या कॉज है, क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, दिस मेथड हेल्प्स वन लर्न मोर अबाउट द फैक्टर्स दैट क्रिएट ट्रबल सम सिचुएशंस. अब जब ये मेथड हेल्प करता है किसी को कि भाई साहब जब कोई किसी ज्यादा ही ट्रबल में फंस रहा है तो ये मेथड उसको यहाँ हेल्प करता है. कहता है दिस डिजाइन हैड थ्री पार्ट्स ऑफ रिसर्च, तीन पार्ट्स में इंसेप्शन ऑफ इशू, सबसे पहले शुरू, फिर डायग्नोस और सॉल्यूशन, ये तीनों देता है डायग्नोस्टिक में. क्लियर है बा? सबसे पहले इंसेप्शन शुरुआती देखेगा, डायग्नोस करेगा और फिर सॉल्यूशन देगा. उसके बाद है जी एक्सप्लेनेटरी. एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी है जो डायग्नोस किया उसको एक्सप्लेन कर दो. कहता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन यूजर्स आइडियाज एंड थॉट्स ऑन ए सब्जेक्ट मैटर फर्दर एक्सप्लोर दियर थ्योरीज. द स्टडी एक्सप्लेन्स अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड डिटेल्ड द रिसर्च
क्वेश्चन व्हाट हाउ एंड व्हाई। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सिर्फ एक्सप्लेन करने का काम करता है कि जो भी जो जो चीज नहीं बोला गया है, जो चीज थ्योरी में एक्सप्लोर नहीं किया गया उसको एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चाहिए बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। बेनिफिट्स क्या क्या है आइए एक एक करके देखते हैं। कह रहा देयर आर सेवरल बेनिफिट्स हैविंग वेल डिजाइंड रिसर्च प्लान इंक्लूडिंग, क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो भैया एक बात तो है, रिसर्च डिजाइन करने के बाद जब आप स्ट्रक्चर किसी भी चीज का लाइफ में स्ट्रक्चर बना लेते हो ना, तो क्लैरिटी आने लगती है कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कह रहा है रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिजायर्ड आउटकम्स। दूसरा क्या है, दूसरा है इंक्रीज्ड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इंक्रीज वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, दोनों का दोनों इंक्रीज होता है। तो क्या कह रहा है, टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स रिसर्च डिजाइन हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क बायस एंड हेल्प टू कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ये बात सही है कि जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिस्क मिनिमाइज होगा और एक्यूरेसी रहेगी तो हम एक्सटर्नल वेरिएबल को रोक सकेंगे। इंप्रूव्ड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को भी इंप्रूव करता है। कह रहा है रिसर्च डिजाइन हेल्प्स टू इंश्योर दैट द प्रॉपर डेटा इज कलेक्टेड एंड डेटा इज कलेक्टेड सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली। देखिए ये बात तो सही है कि जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे आपको पहले ही पता होगा कि डेटा कलेक्शन करना कैसे, तो इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब वो इंश्योर कर देता है पहले ही रिसर्च डिजाइन कि भाई साहब कौन सा डेटा कलेक्ट करना है और उस डेटा से कैसे सिस्टमेटिकली और कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर बेसिस पर डेटा कलेक्ट करना है। बेटर डेटा एनालिसिस ये भी हो जाता है क्योंकि जब हम पहले से डिसाइड करते हैं तो हमारा ये क्लियर रहता है। कि रिसर्च डिजाइन हेल्प्स टू इंश्योर दैट कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज्ड इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड कंक्लूजन। उसके बाद है इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, ये भी सही बात है। कह रहा है वेल डिजाइंड रिसर्च हेल्प इंश्योर दैट रिजल्ट्स आर क्लीन एंड इन्फ्लुएंशियल विद इन द रिसर्च टीम एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब देखिए जब हमारा प्लानिंग अच्छा होता है तो हम उसको बता भी किसी को अच्छे तरीके से हो सकते हैं, नहीं तो इसीलिए बोलता है कि इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा जब आप वेल डिजाइन रिसर्च अपना प्लान करके करिएगा तो उसका रिजल्ट भी क्लीन होगा, आप इन्फ्लुएंस भी उसको अच्छे तरीके से कर पाइएगा। क्लियर है? और उसके बाद है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। कह रहा है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वेस्ट एंड मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन हेल्प्स टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेस आर यूज्ड efficiently। तो क्या बोला, मतलब भाई साहब efficient use कर सकते हैं आप resources का। जब आपको सब कुछ पहले से structured कर लेते हैं, जब आप plan कर लेते हैं research design, तो आप धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे आपका minimum हो जाता है risk और waste कम होने लगता है, जिस वजह से impact of the research maximize हो जाता है और उससे resources efficiently यूज करते हैं। अब देखिएगा कह रहा well designed research plan is an essential for successful research providing clear and meaningful insights and ensuring that resources must be practical। तो क्या बोल रहा है, जो well designed research plan है वो essential है, बहुत जरूरी है एक successful research के लिए, और provide करता है वो क्या, clear and meaningful insights। clear है बात? हाँ जी सर। और ये भी distinct और करना है कि resources practical हो theoretical नहीं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और समझेंगे अगला वीडियो में डेटा कलेक्शन। देखिए आप लोगों ने अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम वाला तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको क्या मिलता है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं और प्लस डेली इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।